Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to plan LS Pine on 1.5 Tesla GE. Okay, ये अभी एंट्री डेस्क पे आ गए. यहाँ से पूरा पेशेंट का एंट्री डेटा फिल कर दिया. यहाँ से प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बना के रखा है मेरा. होल स्पाइन स्क्रीनिंग जरूर ले लेना, क्योंकि स्पाइन काउंटिंग के लिए वो यूजफुल रहता है. कभी कभी लंबराइज रहता है, कभी कभी सैक्रलाइज रहता है. तो होल स्पाइन आपके पास रहेगा तो वो इजी रहेगा आपको. यहाँ से एक्सेप्ट, पहले मैं होल स्पाइन स्क्रीनिंग कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर कैसे प्लानिंग होता है लंबर स्पाइन का वो मैं आपको शो कर दूंगा. सेव आर एक्स. मैंने टू स्टेप में होल स्पाइन एक प्लान किया है. बहुत फास्ट ले रहा हूं, ओनली फॉर काउंटिंग, जस्ट स्क्रीनिंग है. सेव आर एक्स, स्टॉप, स्कैन. टॉप और बॉटम, ये दो सेक्शन में ही पूरा होल स्पाइन कवर हो जाएगा. फिर इसके ऊपर एल एस स्पाइन को प्लानिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूं. ये अभी हमारा टॉप जनरेट हो गया. अभी ये बॉटम, डबल क्लिक, सेव, स्कैन. ये भी बॉटम प्लान हो गया. फ्रेंड्स, अभी ये होल स्पाइन का बॉटम भी आ गया है. अभी एलएस स्पाइन लंबर स्पाइन प्लान करने के लिए लोकलाइजर लेना पड़ेगा, ट्री प्लेन. सिंपल, ये लोकलाइजर पे डबल क्लिक करो, ओपन, और ये बॉटम पे यहां पे क्लिक कर दो. ओके, इसको ये लोअर लंबर पे क्लिक कर दो. सेव आर एक्स, स्कैन. यहां से इसको टेबल को मूव करना पड़ता है. फ्री प्लान लोकलाइजर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं. सीक्वेंस आएगा सैज T2, सैज T1, एक्सेल T2, एक्सेल T1, सैज स्टार ऑप्शनल ले सकते हो, लेना हो तो, और कोरोनल स्टार. कभी कभी ट्रॉमेटिक रहता है तो ग्रेडियंट भी लेते हैं. इसमें दो टेक्निक है. सबसे पहले सैज T2 भी आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि सैज T2 आ जाएगा तो उसके ऊपर आप एक्सेल प्लान कर सकते हो ऑन दी स्पॉट. और कोई कोई दूसरा टेक्निक ही है कि पहले स्टर ले लेते हैं, स्टर के ऊपर एसआई जॉइंट कवर कर लेना. दो पोजीशन रहती है, एक तो ये प्लस एंगल और ये एक माइनस एंगल. माइनस एंगल करते हो तो एसआई जॉइंट भी सही से कवर होगा. थोड़ी इमेजेस बढ़ा देना आप. मैं सबसे पहले ऑलवेज स्टर प्लान कर देता हूँ स्टर के ऊपर, फिर मैं सैज T2 प्लान करता हूँ, फिर उसके ऊपर एक्सेल प्लान होता है. तो सबसे पहले मैं सैज T2 प्लान कर देता हूँ. थोड़ा इसको मैंने माइनस टिल्ट दिया है, क्योंकि एसआई जॉइंट भी कवर कर लेना. कभी कभी सैक्रोइलाइटिस रहता है तो इसमें अच्छे से दिख जाएगा. सैज स्टार प्लान हो गया. टीआर चेक कर लो, एसएनआर रीसेट, नेक्स्ट 4 फेज 160 280 फ्रीक्वेंसी. सेव आर एक्स, स्कैन. ऑटो पे, यहां से ऑटो स्कैन कर देना आप. स्कैन अपने आप ही चलता रहेगा. ओके, जैसे ही स्टार आएगा कोरोनल, फिर उसके ऊपर सैज T2 कैसा प्लान करते हैं मैं आपको शो करता हूं. अभी फ्रेंड्स, ये हमारा कोरोनल स्टार आ गया है. अभी सैज T2 प्लान करना है. सैज T2 पे डबल क्लिक करो, यहां पे कोरोनल पे क्लिक कर दो. ओके, और ये कोरोनल का जो लोकलाइजर का विंडो है, यहां पे कोरोनल स्टार डाल देते हैं. सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि पहले वन इमेज कर देना आप, एंटर करो, और यहां से देखना कि कॉर्ड पे एक इमेज परफेक्ट से मिड में एक कॉर्ड पे आना चाहिए. तो यहां से इमेज आप बढ़ा देना, 11 इमेजेस ले लेना, 11 या तो 12. यहां
ये अभी देखो ये परफेक्ट ये मिड प्लेन में है। यहाँ से एंगल स्ट्रेट कर देना, यहाँ पे सेट बैंड लगा देना स्ट्रीटो पे, रेस्पिरेटरी आर्टिफैक्ट जो रहता है ना वो कम हो जाता है। ये सेट बैंड लगाना भूलना नहीं आप, SNR रीसेट कर दो, इससे क्वालिटी अच्छा आएगा। प्लान हो गया ओके, ये ST2 का प्लानिंग है परफेक्ट। सेव RX गो। सेम ST1 को सिर्फ डबल क्लिक करना है, ओपन करो यहाँ से कॉपी RX, ST2 पे क्लिक करो, साइड बैंड को भी ले लो, एक्सेप्ट, सेम टू सेम ST2 का प्लानिंग ST1 पे आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत टाइम कम कर देता हूँ, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। जितना नेक्स्ट और फेज ज्यादा रहेगा उतना क्वालिटी बहुत ही शानदार आएगा। ओके, ये ST1 प्लान हो गया। अभी जैसे ही ST2 जनरेट होगा मैं आपको एक्सेल T2 कैसा प्लान करते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सिंपल है, साइज एक्सेल T2 के ऊपर डबल क्लिक करो, साइज का जो विंडो है लोकलाइजर का उसके ऊपर क्लिक कर दो, तो यहाँ पे जो मैंने पहले से स्टोर किया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं ऐसे डाल के रेडी रखता हूँ, फिर जैसे ही ST2 आएगा वो साइज वाली इमेज को यहाँ से डाल के बहुत ही फास्ट प्लानिंग हो जाएगा डिस्क लेवल पे। कोई भी पेशेंट को आप स्कैन करने से पहले उसका हिस्ट्री जरूर पूछ लेना, कौन सी साइड पेन है, राइट लेफ्ट ट्रॉमा है नहीं है। ST2 में कम इमेजेस नहीं लेना आप, क्योंकि फोरामिनल में कभी कभी डिस्क जाती है ना, प्रोट्रूजन वगैरह रहता है फोरामिनल, तो उसमें कभी कभी मिस होता है। इसके लिए थोड़ा एक इमेजेस एक्स्ट्रा ही लेना, भले ही आप फिल्म में एक इमेज को कट कर सकते हो, अभी आप देख के कट करना जो पॉजिटिव हो वो कट नहीं हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अभी ये ST2 जनरेट हो गया है। अब ये साइज वाला जो लोकलाइजर का विंडो है यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से ST2 ले लो। ओके, ऑलवेज ऐसे ही प्लानिंग करना क्योंकि पैथोलॉजी आपका मिस नहीं होगा। राइट टू लेफ्ट पहले पूरा घुमा के देख लेना, क्योंकि फोरामिन में तो डिस्क नहीं जा रहा है ना। ये α S1 पे बॉडी लेवल पे कट जाना चाहिए, ओके, और डिस्क लेवल पे भी जाना चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि α S1 पे एक बल्ज है। और ये आप देख सकते हो कि L4-5 के ऊपर ये छोटा सा प्रोट्रूजन भी है और एनुलर टायर भी है। यहाँ पे थोड़ी इमेजेस आप एक्स्ट्रा कर देना, बाकी के लेवल पे ज्यादा कुछ है नहीं, डिस्क लेवल और बॉडी लेवल, डिस्क लेवल बॉडी लेवल, ऐसा परफेक्ट आप प्लानिंग कर देना। यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं इमेजेस कम कर देता हूँ। 20 के फॉर्मेट में फिल्म सेट करते हैं, इसके लिए 19 इमेजेस ले लिया। कभी पैथोलॉजी ज्यादा है तो इमेजेस आप ज्यादा कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 20 इमेजेस का। देख लो अभी ST2 का प्लानिंग हो गया, ST2 के ऊपर XL T2 का प्लानिंग हो गया। सेव RX, ये नेक्स्ट वगैरह देख लो। सेव RX, स्कैन, मैंने यहाँ ऑटो स्कैन पे रखा है। सेम XL T2 को भी डबल क्लिक करो, ओपन, यहाँ से कॉपी RX, XL T2 को सेम कॉपी कर देना, सेट बैंड ले लेना, एक्सेप्ट, ओके। मैं थोड़ा इसका टाइमिंग कम कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है। सेव RX, सैज स्टर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कोरोनल स्टर में मैंने देख लिया कि कुछ भी ऐसा पैथोलॉजी है नहीं सैज स्टर लेने के लिए। आप ले सकते हो, लेना हो तो ऑप्शनल।
अभी एक्सेल T2 एक्सेल T1 कैसा आती है मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये एक्सेल T2 आ गया है। वैसे ही अभी एक्सेल T1 आएगा मैं आपको शो कर देता हूं। सो फ्रेंड्स अभी ये एक्सेल T1 भी आ गया है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।